आज के इस वीडियो में हम 28 जनवरी के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद सिंह। भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह नियुक्त हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिन पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के पोषण के बारे में जागरूकता करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू की गई है। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान या राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रीति चौधरी। 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी प्रीति चौधरी बनी हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, देश के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ की पर कैप्टन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड सिलिका एंट्री एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान संभाली। परेड में सिलिका एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम को पहली बार शामिल किया गया है। चंडीगढ़ की आर्मी एयर डिफेंस की कैप्टन प्रीति चौधरी इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के नेतृत्व में करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी हैं। भारतीय थल सेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, एलोन मास्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही बार में 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर नया रिकॉर्ड बनाया है और स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। स्पेस एक्स के बारे में जानकारी, स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। अध्यक्ष गविनी शॉर्टवेल हैं, संस्थापक और सीईओ एलोन मास्क हैं। अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम
SCNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है, JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, NASA नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, SpaceX अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है, KARI दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, रोसकॉमोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क उड़ीसा राज्य में खोला गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा के भीतरकानिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया है, और उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित भितरकानी राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ सफेद मगरमच्छ पार्क है। यहाँ सफेद मगरमच्छ काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इस उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध यह भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर चीन देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूनिक स्थित इंफो इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला देश बनाने के लिए चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। चीन का चालू खाता अधिवेशन 2020 में 310 बिलियन डॉलर के दुगना से अधिक हो गया है, जबकि जर्मनी का चालू खाता अधिवेशन 2020 में लगातार 5वें वर्ष के लिए 261 बिलियन डॉलर हो गया है। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमियानाबी यूनान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांत्सी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय निर्वाचन आयोग। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को औपचारिक रूप से ई इपिक लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ई इपिक इलेक्ट्रॉनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का PDF संस्करण होगा। इसमें संपादन नहीं किया जा सकेगा, और इसमें तस्वीर और सीरियल नंबर, पार्ट नंबर आदि के साथ सुरक्षा QR कोड होगा, और इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकेगा और डिजिटल रूप स्वरूप में रखा जा सकेगा। पहले चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन है। मौजूदा समय में श्री सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार ही की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्य की शक्तियों, कार्यकाल,
पात्रता आदि से संबंधित है। भारतीय चुनाव आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इस लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा हैं, अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी 2021 को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1953 को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन के गठन की स्मृति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72वां। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का 72वां संस्करण मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं है और ऐसा पहले 3 बार हो चुका है, 1952 में, 1953 में और 1966 में। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार गिराने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का उड़ीसा के चंदनी चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह मिसाइल हवाई खतरों को रोक सकती है। इस मिसाइल को वायु सेना रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। जनवरी मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।